नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्कोर में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 तारीख को, जो कि यानी कि कल की डेट में, जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सम्मेलन हुआ था जो कि भोपाल में रखा गया था, रक्षाबंधन में आपको उपहार देने का बोला था। उन्होंने 10 सबसे बड़ी घोषणाएं की है, वही आज आपको जानकारी देने वाले हैं। घर से लेकर बिजली तक, राशन की सभी समस्या उन्होंने यहाँ पर योजनाएं निकाल दी है, तो यहाँ पर सभी घोषणाएं कर दिए। तो आज हम आपको वही घोषणाएं बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडली बहनों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी सौगातें, बहनों को रक्षाबंधन पर अनमोल तोहफा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अक्टूबर माह में 1250 रुपये आएंगे, परंतु जो सितंबर माह में जो 10 तारीख को 1000 रुपये आने वाले थे और 27 तारीख को भी 250 रुपये सभी के खाते में, सभी बहनों के खाते में डाल दिए हैं। पहली जो घोषणा की है वो जिस क्षेत्र में आधी से अधिक बहनें अगर चाहती हैं कि यहाँ पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो वहाँ से अगले साल से वहाँ से शराब की दुकान हटा दी जाएगी। दूसरी घोषणा है पुलिस भर्ती में महिला आरक्षक 30% से घटाकर से बढ़ाकर 35% कर दी। पहले पूरी पुलिस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण केवल 30% था, उसे बढ़ाकर अब 35% कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य शासकीय पदों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को 50% शिक्षक पद में दिया जाएगा और अन्य सरकारी भर्तियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में 35% नियुक्ति बहनों की ही होगी। सभी लाडली बहनें आजीविका मिशन के अंतर्गत आएंगी। 5 साल में बहनों को बनाया जाएगा लखपति। छठवीं उन्होंने घोषणा की है, जिन बहनों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है उन्हें गांव में फ्री प्लाट दिया जाएगा। अगर आप गांव में रहती हैं और आपके पास जमीन नहीं है तो आपको फ्री आपको प्लाट मिलेगा रहने के लिए। और सातवीं घोषणा उन्होंने की है, शहर में माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाकर बहनों के नाम किया जाएगा। बहनों के बढ़े हुए बिजली की बिल वसूली पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब आपके बिल बहुत ज्यादा है मतलब, तो आपको आपसे वसूली नहीं की जाएगी। और एक और ये काम बहुत अच्छा किया है कि सितंबर माह से बढ़े हुए बिल, जो आपके जितने बड़े हुए बिल वो 0 हो जाएंगे और उसी महीने से आपके 100 रुपये बिजली का बिल आएगा। अभी आपके आते होंगे 1000, 800, 1200, 500 ऐसे बिजली के बिल आते होंगे, पर यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी कि अब सितंबर माह में जो बिजली का बिल आएगा वो 100 रुपये आएगा, जो पुराना बिजली का बिल है वो उसे 0 कर दिया जाएगा। सावन के महीने में, यानी कि आज कितनी तारीख होगी, 28, 29, 30 तारीख तक यहाँ पर आपको केवल सिलेंडर 450 रुपये मिलेगा। बाकी जो उसकी रेट है 1125 में तो अभी मिल रहा, पर अभी आपको सावन के महीने में अगर आप सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी दी जाएगी और आपको वो सिलेंडर 450 रुपये में पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी 10 घोषणा है जिसमें से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि बहुत सही घोषणाएं की हैं, तो इनका लाभ जरूर उठाइए। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।